तो आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला। घर पे कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीज़ लगता है गरम मसाला बनाने के लिए? तो देखिए, यहाँ पे 8 से 10 पीस तेज पत्ता का ले लिए हैं, 2 चम्मच साबित जीरा, साबित धनिया सॉरी, और ये साबित जीरा भी 2 चम्मच ले लिए हैं, और 1 चम्मच आधा चम्मच के सौंफ इतना ले लिए हैं, और 15 पीस लौंग इलायची ले लिए हैं, छोटी इलायची, और 30 पीस काली मिर्च है, और 20 पीस लौंग है, और ये जायफल स्टार बोलते हैं शायद वो है, और ये अपना दालचीनी है। अब इसको हम भूजेंगे, इसके बाद गरम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्राइंग पैन ले लिए हैं, इसके अंदर इसको सारे मसाले को डाल देंगे और अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। 5 मिनट में सब मसाला अच्छे से रोस्ट हो जाता है, इसके बाद इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मसाला पकना स्टार्ट हो चुका है और खुशबू आ रहा है बहुत अच्छा अच्छा और देखिए कलर इसका चेंज हो गया सारे मसाले का। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, 5 मिनट के बाद इसको पीसेंगे। देख सकते हैं कितना फट फट आवाज़ मार रहा है, मसाला फट रहा है। तो 10 मिनट के बाद अच्छे से ठंडा हो चुका है गैस, अब इसको हम पीसेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पे मैक्सी में डाल दिए हैं, अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ढक्कन लगाएंगे इसका, मसाला से पीस चुका है, इसको ढक्कन खोलते हैं। तो देख सकते हैं गरम मसाला हमारा बन के रेडी हो चुका है, एकदम बारीक बारीक पाउडर हो चुका है और बहुत स्वादिष्ट रहता है। अपने घर पे बनाइए, ट्राई करिए, बाहर का इतना सामान मत खाइए क्योंकि सब चीज़ में मिलावट रहता है और ये पूरे अपने हाथ से बना रहता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।